Exams, exams, exams. I don't like it. I avoid, but exams likes me. I can't avoid. So, hello guys. जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिसे फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क आप अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। जिन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो टॉपर भी करते हैं अपने एग्जाम में टॉप करने के लिए। तो वीडियो काफी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टिप्स नंबर वन, जो कि काफी कॉमन टिप्स है और लगभग सभी छात्रों को ये टिप्स पता होगी, पर बाकी जो टिप्स है वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। सो टिप्स नंबर वन, क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी। यह सबसे कॉमन टिप्स है। अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो आप 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके याद करके भी अच्छा खासा पासिंग मार्क गेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। तो ये तो कॉमन सा टिप्स था जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होगा। सो टिप्स नंबर टू, क्वेश्चन डील करने का तरीका। ये काफी इंपॉर्टेंट टिप्स है। आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका तैयारी शायद आपसे कम हो, शायद वो आपसे कम घंटे पढ़ते हो, फिर भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो यहाँ मायने रखता है कि आप क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देते हैं ताकि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सके आपके जवाब से और आपको फुल मार्क वो दे दे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम में आप दो पेन का यूज करें, पहला तो ब्लैक, दूसरा ब्लू। ब्लैक पेन का यूज आप हेडिंग देने में कर सकते हैं और ब्लू पेन का यूज आप आंसर देने में कर सकते हैं। और आप ये कोशिश कीजिए कि किसी भी क्वेश्चन का पॉइंट बना के आपको आंसर देना है, यानी किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो उसे आप पॉइंट बना के आंसर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उस टॉपिक में कोई डायग्राम है या फिर कोई फिगर आप उसके रिगार्डिंग बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। फिगर बनाने से काफी ज्यादा हेल्प मिलता है आपके रिजल्ट का मार्क बढ़ने के लिए, क्योंकि फिगर बनाने से आपको फुल मार्क दिया जाएगा और एग्जामिनर आपका मार्क नहीं काटेगा। अब ऐसा नहीं कि आप दो ही पेन का यूज कीजिए, ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आपका कॉपी पूरा फ्रेश रहे और एग्जामिनर ये समझ जाए कि इस टॉपिक के बारे में इस स्टूडेंट को अच्छे से पता है, क्योंकि एक पेन का यूज तो सभी छात्र करते हैं, ये तो जनरल सी बात है। तो अगला टिप्स जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो टिप्स नंबर थ्री, लॉन्ग क्वेश्चन को पहले डील करना। यह टिप्स का यूज वैसे छात्र करें जिनका की तैयारी थोड़ा बेहतर है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन छूटे भी तो शॉर्ट क्वेश्चन ही छूटे, आपका ज्यादा मार्क ना कटे। वैसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। आपको मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बोलते हैं कि सर आंसर हमें पता था बट टाइम के कमी के कारण हम उसका आंसर नहीं लिख सके, हम उसका जवाब नहीं दे पाए। ये टिप्स उनके लिए है, बाकी आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं। कोशिश करें अगर आप सीरियल वाइज क्वेश्चन लिख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन, तो एक तरफ से आप आंसर दीजिए, जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यानी कि एक तरफ से आप आंसर दीजिए सीरियल वाइज, ताकि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। टिप्स नंबर फोर, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव करेक्ट करना। जी हाँ, आपके एग्जाम में आपका बेहतर परफॉर्मेंस तभी हो सकता है जब आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा सही हो। इसके लिए आप दो तरीके का यूज कर सकते हैं। पहला, अगर आपको लगता है हम ऑब्जेक्टिव सारा डील कर सकते हैं या मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आप सही कर सकते हैं, तो कॉपी के फ्रंट में आप ऑब्जेक्टिव बनाएं, जैसा कि सभी स्टूडेंट करते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है हमसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव डील नहीं होगा तो आपको क्या करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी के लास्ट में बनाइए और जब लास्ट टाइम हो तब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है,
आप पहले ही ऑब्जेक्टिव में टिक लगा के रख लीजिए ताकि लास्ट टाइम में आपको ज्यादा जल्दी ना हो, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और आप लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन पर लास्ट टाइम तक समय दे सकते हैं। अब बारी है टिप्स नंबर 5, और ये ऑप्शनल है, इसका यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए बोनस टिप्स है। तो मैक्सिमम या कहें तो सारे छात्र अपने आंसर शीट का चौथाई एक ही साइड से छोड़ते हैं। अगर आप चाहे तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से चौथाई छोड़ सकते हैं, और आप अपने आंसर शीट के बीच में लिख सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका मैक्सिमम पेज भर जाएगा, और जिन छात्रों को ये परेशानी या फिर क्वेश्चन रहता है कि कॉपी का पेज खाली रह जाता है और हम 10 या 12 पन्ना ही लिख पाते हैं, तो ये टिप्स अपना कर वो ज्यादा से ज्यादा पेज फिल कर सकते हैं। ये जो कुछ टिप्स थे इसमें हमने जाना कि आपको कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। अब अगर बात कर ले तैयारी की, तो पहला तरीका तो आपने देख लिया, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो आपने जो पढ़ा होगा तो आपके टीचर के द्वारा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया होगा, जैसे कि आप कोई कॉपी बना रहे हैं या फिर कुछ भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको वहां पे बताते होंगे कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप लोग पढ़ लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के टाइम में आपको वो जरूर पढ़ना है। और इसके अलावा बहुत सारे छात्रों में आदत होती है किसी भी चीज को रटने की, तो रटिए, आप याद कीजिए सही है, लेकिन ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उसे ज्यादा से ज्यादा लिखने का आप ट्राई कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप लिख सके ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को आप लिखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने इतने दिन पढ़ा, ठीक है, आपका कॉपी बन गया होगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बन गया होगा, तो इतने दिन जो आप पढ़े उसमें आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आता है, तो आप लोग उसे ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए कि हम लिखें उसको। अब एक लास्ट बात, एग्जाम के 24 घंटे पहले, ठीक है, अगर आपका तैयारी काफी अच्छा है तो आप आराम से पहले रिलैक्स कर लीजिए, ये नहीं कि हम भर रात पढ़ रहे हैं और सुबह जाए एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तो आप पहले अच्छे से रिलैक्स हो जाइए, पूरा आराम कीजिए और आराम से अपने सेंटर पे एग्जाम देने जाइए। और बहुत सारे छात्रों को मैंने ऐसा भी देखा है कि एग्जाम सेंटर तक वो पढ़ते जाते हैं, जैसे मान लीजिए बाइक पे सफर कर रहे हैं, बस पे सफर करके अपने सेंटर पे जा रहे हैं, तो वहां पे वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। और एग्जाम के कुछ घंटे पहले तो आपको नया चीज पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे भी आपको बहुत सारे छात्र मिलेंगे जो बहुत तरह की बात करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये आपने पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि कोई छात्र बोले एग्जाम सेंटर पे कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आपको लगे कि वो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ने लगिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। लास्ट टाइम में आपको कुछ भी नया नहीं देखना है, नहीं तो पुराने चीजों को आप भूल सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं जिसको अपना के हम अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने कॉपी को और ज्यादा बेहतर से लिख सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी कई छात्र बहुत सारी बातें हमसे पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन भी रहता है तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको लगता है इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।